हेलो गाइस, मैं गुफरान अंसारी, आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न का जोड़, लेकिन ये साधारण भिन्न का जोड़ नहीं है। ये आपको हम सॉल्व करके बताते हैं, आप क्लियर ध्यान से देखिए और इसको समझिए। हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, ये साधारण भिन्न नहीं है, पहले इसको हम भिन्न का रूप देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 चक्का 24। इसको तोड़ने का एक मेथड होता है, 6 चक्का 24 ऊपर, यानी कि इसको और इसको गुना कीजिए, तो 6 चक्का 24 और 5 इसको जोड़ देना है। तो 6 चक्का 24 और 5, 24 5 कितना होता है, 29 होता है। तो आपका हो जाएगा 29/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको गुना किए, 6 चक्का 24 और 24 5 29, उसके बाद बट्टा आपका 6 है, वही 6 लिख दिए हैं। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको फिर जोड़ का जोड़ डालना है। फिर बताओ यहाँ क्या करना है, 4 3 है, तो 4 3 12 और यहाँ पर 2 है ना, तो 4 3 12 और 2 कितना होता है, 14 14/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर आपका माइनस है, माइनस देते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, 12 8 है, तो 12 8 96 और 2 96 2 कितना होता है, 98, और बट्टा क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां से आगे क्या करना है, आपको LCM लेना है। तो 6 3 और 12 का LCM लेंगे, आपको पता है 6 3 12 का LCM कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए 12 हो जाएगा। अब 12 से 6 को भाग करेंगे तो 6 × 12 कितना बार में, 2 बार में, और गुना ऊपर 29 का 29। फिर प्लस, जब इसको 12 से भाग करेंगे कितना बार में टूटेगा, 3 6 12 4 आ जाएगा, और 4 × क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। फिर माइनस, 12 को 12 से भाग करेंगे तो 12 1 12 एक बार में, ठीक 1, और गुने ऊपर में कितना है, 98, तो आपको यहाँ 98 लिखना होगा। अब उसके बाद 29 × आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करते हैं, 29 × आपका 58 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, 14 का पहाड़ा पड़ो, 14 × 14 = 14 14 = 56, तो 14 3 42 14 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, 98 × 1 यानी 98 हो जाएगा। अब बट्टा क्या हो गया आपका, 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 114, ठीक है, 114 और माइनस कितना हो जाएगा, 98, और बट्टा कितना हो जाएगा फिर, 12 का 12 हो जाएगा। तो 114 में 98 को घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 बट्टा कितना हो जाएगा, 12। अब अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट दो, क्या हो जाएगा, 4 6 16 4 3 12 आपका हो जाएगा 4/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर 4/3 हो जाएगा। तो हमको मतलब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।